हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब आई क्यू। पंजाब आई क्यू दी इस स्पेशल वीडियो दे विच अज आपां डिस्कस करांगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कलर्क पेपर दे लई जो आपने फ्री मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है उस सीरीज का सैट नंबर 5th, जिस दे विच आपां ऑब्जेक्टिव प्लस सबजैक्टिव दोनों पार्ट नूं कवर करांगे। इस मॉक टेस्ट नंबर 5th दे विच इस दे विच तुहानूं 25 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, जिस दे विच 15 क्वेश्चंस जीके तो होंगे, जिस दे विच 4 to 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स तो भी आपने इनकलूड किए ने इन 15 क्वेश्चंस दे विच। ठीक है, उस तो बाद जो बाकी बच गए 10 क्वेश्चंस यह तो आनु देखने को मिलेंगे इंग्लिश ग्रामर तो, जिस दे विच सिनोनियम एंटोनियम फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन यह तो आनु देखने को मिलेंगे टोटल 10 क्वेश्चंस। ठीक है, यह हो गए टोटल 25 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप। उस तो बाद एक तो हमें टॉपिक देखने को मिलेगा जिस दे विच आपां पंजाबी तो इंग्लिश दे विच ट्रांसलेशन करांगे। ठीक है, पंजाबी तो इंग्लिश दे विच आपां ट्रांसलेशन करांगे। यह जो टोटल मार्क्स ने पंजाबी तो इंग्लिश दे विच ओह आपां नूं पेपर दे विच पूछे जाणगे 10। ठीक है, 25 क्वेश्चन हो गए अपने ऑब्जेक्टिव दे, यानी जो आपां मॉक टेस्ट नंबर 5th कवर कर रहे हैं इस दे जो मैक्सीमम मार्क्स ने ओह ने 35। अगर तुहाडे इन्हां दे विचों 80%, यानी अगर तुहाडे 35 दे विचों 27 या फिर 27 तो ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे ने तां तुसीं जिहड़ी अपनी तैयारी है उसनूं वधिया मान सकदे हो, अदरवाइज तुहानूं जिहड़ी अपनी तैयारी है उसनूं वधिया ढंग नाल करना पएगा तां ही तुहाडा जिहड़ा पेपर है उह क्लीयर हो पाएगा इस बार हाई कोर्ट कलर्क दा। ठीक है, यह फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ दा सैट नंबर 5th मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आपां इस वीडियो नूं स्टार्ट करदे हां बिना कोई टाइम वेस्ट किते। सब तो पहला क्वेश्चन आपां नूं पूछा गया है द गोल्डन थ्रैशहोल्ड वाज रिटन बाय हुम, यानी एक किताब है द गोल्डन थ्रैशहोल्ड, यह जो किताब है इसके ऑथर कौन ने, इस किताब नूं लिखा किसने है। गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा है, सरोजनी नायडू ने लिखा है, विजय लक्ष्मी पंडित ने लिखा है, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। जो गोल्डन थ्रैशहोल्ड नाम की किताब है इसनों लिखा गया है सरोजनी नायडू के द्वारा। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बनेगा अपना वह बनेगा बी ऑप्शन, सरोजनी नायडू। इस तो अलावा आपने याद रखना है आपां नूं एग्जाम दे विच पूछा जाता है फस्ट जो वूमेन प्रेजिडेंट बनी सी इंडियन नैशनल कांग्रेस की उसका नाम दसो। ठीक है, आपां नूं पूछा जाऊगा जो फस्ट प्रेजिडेंट बनी सी, फस्ट वूमेन प्रेजिडेंट, फस्ट वूमेन जो प्रेजिडेंट बनी सी इंडियन नैशनल कांग्रेस की उसका नाम दसो, तो अपना आंसर हो जाएगा एनी बीसेंट, एनी बीसेंट। ठीक है, और अगर पूछा जाए किस ईयर दे विच बनी सी, एनी बीसेंट बनी सी 1917 दे विच। ठीक है, उस तो बाद अगर आपां पूछा जाए फस्ट इंडियन वूमेन कौन बनी सी, फस्ट इंडियन वूमेन पूछा जाए अगर कि फस्ट इंडियन वूमेन जो प्रेजिडेंट बनी सी इंडियन नैशनल कांग्रेस की उसका नाम दसो, तो अपना आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, फस्ट इंडियन वूमेन कौन बनी सी, यह बनी सी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू जिसके द्वारा यह किताब लिखी गई है। ठीक है, सरोजनी नायडू। ठीक है, कदों बनी सी 1925 दे विच, जो सैशन होया सी कानपुर का सैशन होया सी जिस दे विच जो फस्ट इंडियन वूमेन प्रेजिडेंट बनी सी सरोजनी नायडू, ये भी आपां नूं पता होना चाहिए। ठीक है, इस आंसर बन जाएगा अपना सरोजनी नायडू बी ऑप्शन। हु वाज द फाउंडर ऑफ आगरा, यानी जो यूपी दे विच एक सिटी है आगरा, इस सिटी नूं फाउंड किसने किया, सिकंदर लोधी ने किया, इब्राहिम लोधी ने किया, बहलोल लोधी ने, या फिर इल्तुतमिश ने। जो आगरा सिटी है उत्तर प्रदेश के विच इसनों फाउंड किया गया सी सिकंदर लोधी के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना ए ऑप्शन, सिकंदर लोधी। बेसिकली लोधी डायनेस्टी है जिहड़ी यह आई सी इस दे विच इसनों फाउंड किया गया सी बहलोल लोधी के द्वारा। बहलोल लोधी जो ने इन्हां दे द्वारा फाउंड की गई सी लोधी डायनेस्टी। उस तो बाद कौन आ गए, बहलोल लोधी नूं रिप्लेस किया गया, यानी बहलोल लोधी तो बाद कौन बने रूलर लोधी वंश दे, ओ बने सिकंदर लोधी। इन्हां दे द्वारा फाउंड किया गया आगरा सिटी नूं। उस तो बाद सिकंदर लोधी तो बाद कौन आया, इस तो बाद आया इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी नूं हरा दिता गया बाबर दे द्वारा, उस तो बाद जिहड़ा मुगल एम्पायर इंडिया दे विच स्टार्ट हो गया सी। ठीक है, ये आपां ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे विच याद रखना है। ठीक है, इस दा आंसर बनेगा अपना सिकंदर लोधी। इस तो इलावा आपां नूं ये भी पूछा जा सकता है एक फील्ड मैजरमेंट है जिसनों इंट्रोड्यूस किया गया सी सिकंदर लोधी के द्वारा, उसका नाम दसो, जो आपां नूं पूछा जाऊगा गज ए सिकंदरी। ठीक है, गज ए सिकंदरी आपां नूं पूछा जाऊगा यह किस रूलर ने स्टार्ट किया सी। ठीक है, आपां नूं एग्जाम दे विच सिर्फ गज दिता होगा, गज ए सिकंदरी नहीं दिता होगा। ठीक है, यह गल याद रखनी, आपां ने यह इंट्रोड्यूस किया गया सी सिकंदर लोधी के द्वारा पहली बारी।
ठीक है, जो सिकंदर लोधी ने, यह फेमस पोइट ने, कवि सी यह, ठीक है, फेमस पोइट, ठीक है, इन्हां दी फेमस कविता केड़ी है, गुल राखी। यह आपां सैकड़े बार क्वेश्चन एग्जाम दे विच देखने मिल गया, ठीक है, गुल राखी, यह क्वेश्चन एग्जाम दे विच पूछा जाता है बार बार, ठीक है। इन्हां दे द्वारा फेमस जो पोइम लिखी गई सी, सब तो ज़्यादा फेमस वो केड़ी है, गुल राखी, यह भी सिकंदर लोधी ने लिखी सी, ठीक है। इस आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन, सिकंदर लोधी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी, अपन पूछा गया इस क्वेश्चन के विच, एक पार्टी सी इंडिया के विच स्वतंत्र पार्टी, इसनों फाउंड किसने किया सी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, लाला लाजपत राय जी ने, या फिर सी राजा गोपाल आचारी ने। जो स्वतंत्र पार्टी है इसनों फाउंड किया गया सी, सी राजा गोपाल आचारी जी के द्वारा। इसका आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन, सी राजा गोपाल आचारी। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी अपन पूछा गया है पहली महिला वुमेन स्पीकर कौन बनी सी, ठीक है, फर्स्ट जो वुमेन स्पीकर बनी सी वो कौन बनी सी, ये पूछा गया अपन लोकसभा दे विच। ऑप्शन तुसी देख सकते हो, ए बी सी एंड डी, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, और पहली जो महिला बनी सी लोकसभा दे विच स्पीकर, उसका नाम है मीरा कुमार। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन, मीरा कुमार। इस तो अलावा अपन ये भी पूछा जा सकता है, जो प्रेजेंट टाइम पर जो इंडिया के जिहड़े लोकसभा के स्पीकर ने उन्होंने नाम दसो, तो अपने याद रखना है उन्हों का नाम है ओम बिरला, ओम बिरला, ठीक है। और अगर पूछा जाए इन्हों की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन है, इन्हों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है कोटा राजस्थान के, कोटा राजस्थान तो जिहड़े ने यह लोकसभा सांसद ने ओम बिरला, ये भी अपने याद रखना है, ये प्रेजेंट टाइम पे लोकसभा के स्पीकर ने इंडिया के, ठीक है। इसका आंसर बनेगा मीरा कुमार। हु वॉज द फर्स्ट पोस्थुमस रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न, यानी पहले पोस्थुमसली यानी मरण उपरांत जो भारत रत्न अवार्ड दिता गया सी, वो फर्स्ट रिसिपेंट कौन बने सी? ऑप्शन तुसी देख सकते हो, श्री लाल बहादुर शास्त्री, भुपेन हजारिका, नाना जी देशमुख, या फिर प्रणब मुखर्जी। सब तो पहले अपन यह पता होना चाहिए है जो भारत रत्न है यह इंडिया का हाईएसट सिविलियन अवार्ड है, कदों स्टार्ट किया गया सी? 1954 के 1954 के इसमें स्टार्ट किया गया सी, ठीक है। उस समय यह तीन व्यक्तियों को दिता गया सी 1954 के। यह कौन कौन सी? यह सी सी राजा गोपालचारी, सी राजा गोपालचारी, ठीक है, एस राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन, ते तीजे जो परसन सी वो सी सी वी रमन, डॉक्टर सी वी रमन। यह तीनों व्यक्ति सी जिन्होंने पहली बार जो भारत रत्न अवार्ड है दिता गया सी, ठीक है। याद रखना अपने 1954 के स्टार्ट किया सी। इस दे विचों जो फर्स्ट पोस्थुमसली है, ठीक है, जो फर्स्ट पोस्थुमसली रिसीपियंट ने इस अवार्ड दे, ओहो कौन परसन ने? उन्हों का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा अपना ए ऑप्शन, लाल बहादुर शास्त्री। अगर पूछा जाए अपन फर्स्ट वूमेन कौन है जिसनों भारत रत्न अवार्ड दिता गया सी, फर्स्ट वूमेन अवार्डी, फर्स्ट वूमेन जो अवार्डी है जिसनों भारत रत्न अवार्ड दिता गया सी, उसका नाम दसो, तो अपना आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है। और अगर पूछा जाए फर्स्ट नॉन इंडियन कौन ने जिन्होंने यह अवार्ड दिता गया सी, फर्स्ट नॉन इंडियन, फर्स्ट नॉन इंडियन, फर्स्ट जो नॉन इंडियन ने जिन्होंने भारत रत्न अवार्ड दिता गया सी, यह दिता गया सी खान अब्दुल गफर खान नू, खान अब्दुल गफर खान, इन्हों दिता गया सी, फर्स्ट नॉन इंडियन बने से जिन्होंने यह अवार्ड दिता गया सी। कदों दिता गया सी? 1987 दे विच, यह बिलोंग करते सी पाकिस्तान तो, पाकिस्तान तो, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा अपना श्री लाल बहादुर शास्त्री। हु इज़ द फर्स्ट एवर वूमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व के विच, पूरे वर्ल्ड के विच फर्स्ट एवर वूमेन कौन बनी सी जो प्राइम मिनिस्टर बनी सी, ठीक है। इंदिरा गांधी बनी सी, शेख हसीना बनी सी, श्री मावो बंदर नायके बनी सी, या फिर मरगैरट थैचर बनी सी। जो फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी सी पूरे विश्व के विच, यह किस देश की बनी सी? श्रीलंका तो बनी सी, ठीक है। और इस महिला का नाम की है? इसका नाम है श्री मावो बंदर नायके। इसका आंसर है अपना सी ऑप्शन, श्री मावो बंदर नायके जो है यह फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी सी पूरे वर्ल्ड के विच, पूरे विश्व के विच, ठीक है। कितों की बनी सी? यह बनी सी श्रीलंका तो, श्रीलंका की पहली महिला पूरे विश्व के विच, पहली वूमेन प्राइम मिनिस्टर बनी सी। इसका आंसर बन जाएगा अपना श्री मावो बंदर नायके, ठीक है। और अगर आपको एग्जाम के पूछा जाए फर्स्ट एवर वूमेन प्रेजिडेंट कौन बनी सी, फर्स्ट एवर वूमेन प्रेजिडेंट बनी सी जिसका नाम की सी? विगडिस फिनबो गैडोटिर, ठीक है, विगडिस, विगडिस फिनबो, फिनबो गैडोटिर, गैडोटिर, ठीक
ठीक है, अगर पूछा जाए किस देश तो बनी सी, यह जो महिला है फर्स्ट प्रेजिडेंट बनी सी पूरे वर्ल्ड दे विच, ये बनी सी आइसलैंड तो, आइसलैंड तो, ये भी आपां नूं पूछा जा सकता है, ये भी आपां ने याद रखना है। आंसर बनेगा सी ऑप्शन। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नैशनल कांग्रेस, यानी जो इंडियन नैशनल कांग्रेस बनी सी उस समय जो गवर्नर जनरल सी उन्हों का नाम पूछा गया, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। उस समय इंडिया के जो गवर्नर जनरल से उन्हों का नाम की है, उन्हों का नाम है लॉर्ड डफरिन। इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन, लॉर्ड डफरिन। अगर पूछा जाए इंडियन जो नैशनल कांग्रेस से इसनों फाउंड किसने किया, एक व्यक्ति से ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टावियन ह्यूम, इन दे द्वारा फाउंड किया गया सी इंडियन नैशनल कांग्रेस को तेजपाल संस्कृत कॉलेज के। इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ओ ह्यूम, ये भी आपने याद रखना है। इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन, लॉर्ड डफरिन। ताशकंत एग्रीमेंट वाज साइंड बाय डैश, जो ताशकंत एग्रीमेंट साइन होया सी 1965, ठीक है, आपां नूं पुछा गया है यह जो ताशकंत एग्रीमेंट साइन होया सी किस किस लीडर के विचकार होया सी। ऑप्शन तुसीं देख सकते हो, सरदार पटेल एंड जौहन मिथाई, लाल बहादुर शास्त्री एंड अयूब खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर राजेंद्र प्रसाद, या फिर राजेंद्र प्रसाद ते जवाहर लाल नेहरू। जो ताशकंत एग्रीमेंट है यह उज़्बेकिस्तान जो है उसकी कैपिटल है ताशकंत, ठीक है, जिस सिटी के विच होया सी उसका नाम ताशकंत है, इस करके इसका नाम की सी ताशकंत एग्रीमेंट 1965 दे विच होया सी। यह जो एग्रीमेंट होया सी यह बेसिकली एक पीस ट्रीटी सी, ठीक है, यह एक पीस ट्रीटी सी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया की तरफ तो यह साइन किया लाल बहादुर शास्त्री ने, और जो पाकिस्तान की तरफ तो साइन किया अयूब खान ने किया, यानी इस क्वेश्चन आंसर कहड़ा अपना बी ऑप्शन, लाल बहादुर शास्त्री ते अयूब खान के विचकार यह एक पीस ट्रीटी यानी शांति एग्रीमेंट साइन होया सी, जिसका नाम की सी ताशकंत एग्रीमेंट। यह भी याद रखो कदों होया सी 1965 च। इसका आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन, लाल बहादुर शास्त्री एंड अयूब खान। प्यूजिलिस्ट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर प्लेयर ऑफ अ गेम आइडेंटिफाई द गेम, यानी जो एक टर्म है प्यूजिलिस्ट, यह एक टर्म यूज करते हैं आप प्लेयर के लिए एक गेम के, ठीक है, यह गेम कि है जिस दिनाल यह रिलेटेड है, हॉकी नाल, बैडमिंटन नाल, बॉक्सिंग नाल या फिर बिलियार्ड्स दे नाल। जो प्यूजिलिस्ट जो टर्म है यह यूज़ की जाती है बॉक्सिंग दे विच बॉक्सर दे लई, यानी इस क्वेश्चन का जिहड़ा आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन बनेगा बॉक्सिंग। बॉक्सिंग दे विच जो प्लेयर होंदे ने उहनूं आपां बॉक्सर बोलदे हां, ठीक है, बॉक्सर दे लई आपां एक टर्म यूज़ करदे हां जिसका नाम की है प्यूजिलिस्ट। इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन, बॉक्सिंग। मंडल कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी जो मंडल कमीशन है इसनों एस्टैब्लिश किहड़े प्राइम मिनिस्टर ने किया इंडिया के, जवाहर लाल नेहरू ने किया, मोरारजी देसाई ने, राजीव गांधी ने या फिर वी पी सिंह ने। जो मंडल कमीशन है यह 1979 के एस्टैब्लिश किया गया, 1979 के एस्टैब्लिश किया गया मोरारजी देसाई के द्वारा। इसका आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन, मोरारजी देसाई उस समय प्राइम मिनिस्टर से जिस समय जो मंडल कमीशन है यह एस्टैब्लिश किया गया। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन, मोरारजी देसाई। नैक्सट देखो, रीसेंटली होम अंगस्ट द फॉलिंग हैज़ बीन अपॉइंटड एज इंडियाज अंबैसडर टू थाईलैंड। थाईलैंड के इंडिया के जो अंबैसडर बने ने उन्हों का नाम पूछा गया अपन, ठीक है, इंडिया के जो अंबैसडर होंगे थाईलैंड देश के उन्हों का नाम की है। ऑप्शन तो देख सकते हो, सुचित्रा दुरई, राजीव कुमार, नागेश सिंह या फिर सुसंता नंदा। इंडिया के जो अंबैसडर बने ने थाईलैंड देश के उन्हों का नाम है नागेश सिंह। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा अपना सी ऑप्शन, नागेश सिंह ने अपॉइंट किया गया है इंडियाज अंबैसडर टू थाईलैंड। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। वट इज़ द थीम ऑफ द नैशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 विच इज़ सैलीब्रेटेड इन फर्स्ट वीक ऑफ सैप्टेंबर एवरी ईयर, ठीक है, यानी सितंबर का जो पहला हफ्ता होंगे एक तो लैके 7 सितंबर तक, ठीक है, यह मनाया जाता है एक वीक जिसका नाम क्या नैशनल न्यूट्रिशन वीक, ठीक है। आपको क्यों पूछा गया है, इस बार इसका थीम की रखा गया है। ऑप्शन तुम देख सकते हो, ए बी सी एंड डी। इस बार इसका जो थीम रखा गया है वह रखा गया है वर्ल्ड ऑफ फ्लेवरस। जो नैशनल न्यूट्रिशन वीक है यह एक तो लैके 7 सितंबर तक मनाया जाता है। अगर पूछा जाए आपां नैशनल न्यूट्रिशन मंथ, यानी आपां पूछा जाऊगा न्यूट्रिशन मंथ है जिहड़ा किहड़ा मनाया जाता है, तो वह भी आपां ने याद रखना है जिहड़ा न्यूट्रिशन मंथ मनाया जाता है वह पूरा सितंबर का महीना होंदा है, ठीक है, यानी एक तो लैके 30 सितंबर तक जिहड़ा मंथ है वह मनाया जाता है न्यूट्रिशन मंथ, एक तो लैके 7 सितंबर तक न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है, जिसका थीम की रखा गया वर्ल्ड ऑफ फ्लेवरस। आंसर इस क्वेश्चन है ऑप्शन, वर्ल्ड ऑफ फ्लेवरस। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द 108th कंट्री टू साइन द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है यह इंडिया और फ्रांस के द्वारा बनाया गया सी, यानी इंडिया और फ्रांस के द्वारा इसका निर्माण किया गया सी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन सी? इमैनुअल मैक्रोन, और इंडिया की तरफ तो सी प्राइम मिनिस्टर मोदी। इन्होंने दोनों के द्वारा फाउंड किया गया सी इंटरनेशनल सोलर अलायंस नू। ठीक है, जिसका हैडक्वाटर कित है गुरुग्राम हरियाणा के, गुरुग्राम हरियाणा के इसका हैडक्वाटर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। अपन पूछा गया है 108वां देश कि बने जिसने इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ज्वाइन किया है? नॉर्वे है, नेपाल है, हंगरी है, या फिर पनामा है? यह देश कि है? यह देश है पनामा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना डी ऑप्शन, पनामा। इस तो बाद एक देश होर बन चुका है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मैंबर, वह है 109th 109वां मैंबर कौन बने है? ये बने भूटान। भूटान जो है यह 109वां मैंबर बन चुका है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, ये भी आपने याद रखने। ठीक है, अगर पूछा जाए 107वां कौन बनया सी? 107वां जो देश बनया सी मैंबर वह बनया सी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हंगरी, यानी 107वां हंगरी सी, 108वां पनामा बन गया, 109वां कौन बन गया हुण रीसेंटली? भूटान। तीनों याद रखो, तिना दे कोई भी पूछा जा सकता है, मोस्ट प्रोबेबली लेटेस्ट पूछा जाता तो आंसर बन जाएगा अपना भूटान। इसका आंसर बन जाएगा अपना पनामा, डे ऑप्शन इस क्वेश्चन का। बट 109वां भी याद रखना है भूटान, हैडक्वाटर गुरुग्राम हरियाणा के। ठीक है, आंसर बनेगा डे ऑप्शन। हु इज द चेयरमैन ऑफ द रीसेंटली अनाउंस द नैशनल लैवल कमेटी फॉर ड्राफ्ट ऑफ द न्यू नैशनल कोऑपरेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट? यानी आपको पूछा गया है रीसेंटली चेयरमैन कौन बने ने एक नैशनल लैवल कमेटी है जो कि ड्राफ्ट करेगी न्यू नैशनल कोऑपरेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसनों अनाउंस किया गया है, इस ड्राफ्ट जो है बनाया गया है, इसनों अनाउंस किया गया है, इसके चेयरमैन कौन बने ने रीसेंटली? अमित शाह बने ने, पीयूष गोयल, सुरेश प्रभु, या फिर नितिन गडकरी? यह जो नैशनल लैवल की कमेटी अनाउंस की गई है जो ड्राफ्ट के लिए, इस कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे? इस कमेटी के जो चेयरमैन बने ने वो बने ने सुरेश प्रभु। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन, सुरेश प्रभु। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ डिवेल्पड इंडियाज फर्स्ट इंट्रानसल वैक्सीन फॉर COVID-19? इनकोवैक, यानी आपको पूछा गया है इंडिया की पहली जो वैक्सीन है जिसका नाम की है इंट्रानसल वैक्सीन, यह डिवेल्प की गई है COVID-19 के लिए, यह डिवेल्प की गई है, इसका नाम की है इनकोवैक। इनकोवैक आपको पूछा गया इस डिवेल्प किसने किया है? सिरम इंस्टीट्यूट ने किया है, भारत बायोटेक ने, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने, या फिर बायोलॉजिकल ई कंपनी ने? जो इनकोवैक है इसनों डिवेल्प किया गया है रीसेंटली जो COVID-19 के लिए यूज़ की जाएगी। ठीक है, इसनों फाउंड किया गया है, यानी इसनों डिवेल्प किया गया है किसके द्वारा? भारत बायोटेक के द्वारा। इसका आंसर है अपना बी ऑप्शन, भारत बायोटेक। ठीक है, यह इनकोवैक जो वैक्सीन है यह किस प्रकार काम करती है? ठीक है, इस दे विच आपने याद रखना है, इस दे विच जो चिंपैंजी होंदा है, चिंपैंजी ठीक है, जो चिंपैंजी होंदा है इस दे विचों एक एडिनो वायरस है जिहड़ा लिया जाएगा। ठीक है, चिंपैंजी जो है इस दे विचों एडिनो वायरस जो है यह लिया जाएगा, और जो ह्यूमन बीइंग्स होंदे ने उन्हां दे नक्क दे विच जिहड़ा है एडिनो वायरस पाया जाएगा, यानी उस व्यक्ति नूं एडिनो वायरस जो है उस नाल इफेक्ट किया जाऊगा। ठीक है, उस तो बाद उस दे विच एंटीबॉडीज़ ने जिहड़ियां इस एडिनो वायरस के अगेंस्ट जिहड़ियां ने वह तैयार हो जाएगियां। ठीक है, यह एडिनो वायरस है जिहड़ा बिल्कुल COVID-19 वायरस के बराबर है। ठीक है, COVID-19 विच जो वायरस है बिल्कुल सेम उस तरह का वायरस है एडिनो वायरस के, इस रिलेटिड जो एंटीबॉडीज जो ह्यूमन बीइंग्स तैयार हो जाएगी। ठीक है, उस तो बाद जो भी COVID-19 उस पेशेंट नूं इफेक्ट करेगा, ठीक है, उस तो बाद जिहड़ियां एंटीबॉडीज़ ने शरीर नूं पता लग जाएगा कि कहड़ी एंटीबॉडीज़ तैयार करनियां ने, किवें तैयार करनियां ने। ठीक है, इस करके जिहड़ा है उस पेशेंट नूं इस COVID-19 तों बचाया जाएगा इस तरीके दे नाल। ठीक है, इस दे विच जो एडिनो वायरस है यूज़ किया जाऊगा चिंपैंजी का होगा, यह नक्क दे विच पाया जाऊगा ह्यूमन बीइंग्स दे विच। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा अपना भारत बायोटेक। यह 15 क्वेश्चन है जिहड़े करंट अफेयर से अपने जीके दे कवर किए हैं, जीके प्लस CA 15 क्वेश्चन कवर किए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सी। ठीक है, हुण आपां देखते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। सब तो पहला क्वेश्चन अपने कोल 16 ते 17 क्वेश्चन, इस दे विच आपां नूं की पूछा गया है नीरेस्ट वर्ड, नीरेस्ट मतलब इस दे विच आपां नूं सिनोनिम पूछा गया। ठीक है, आपां नूं एक वर्ड दिता गया है अपलोड, अपलोड का मतलब की होंदा है प्रशंसा करना। ठीक है, जो अपलोड होंदा है इसका मतलब की होंदा है पंजाबी दे विच, हिंदी दे विच प्रशंसा करना। ठीक है, फ्लैटर, प्रेज या फिर रिक्वेस्ट, इस दे विच जो अपना सही उत्तर बन जाएगा वो बन जाएगा प्रेज। इन्हां दोनों का जो अपलोड और प्रेज का जो मतलब है प्रशंसा करना होंदा, इस करके अपना आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, प्रेज। यह दोनों एक दूजे के की हो गए सिनोनियम हो गए, नीरेस्ट मीनिंग वर्ड हो गए, इस करके आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। नैक्सट देखो, फिर तो अपने एक वर्ड दिता गया है स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट वर्ड जिहड़ा है यह आप वर्ड यूज करते हैं उस व्यक्ति के लिए। ठीक है, ये भी अपने सिनोनियम फाइंड करना है, उस व्यक्ति लिए आप
ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਇਹ ਦੂਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਮੀਨਿੰਗ ਵਰਡ ਨੇ ਯਾਨੀ ਸਿਨੋਨੀਅਮਸ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 18 ਤੇ 19 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀਅਮ ਔਰ ਫਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਬੁੱਲ ਇਨ ਅ ਚਾਈਨਾ ਸ਼ੌਪ, ਆ ਬੁੱਲ ਇਨ ਅ ਚਾਈਨਾ ਸ਼ੌਪ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਈਡੀਅਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਰਫ ਐਂਡ ਕਲਮਸੀ ਵੇਅਰ ਸਕਿੱਲ ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਸ਼ੌਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਬੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਫ ਐਂਡ ਕਲਮਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆ ਬੁੱਲ ਇਨ ਅ ਚਾਈਨਾ ਸ਼ੌਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਰਫ ਐਂਡ ਕਲਮਸੀ ਵੇਅਰ ਸਕਿੱਲ ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਹੌਰਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਹੌਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਈਡੀਅਮ ਐਂਡ ਫਰੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਹੌਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਨਵੀਅਸ ਲੇਡੀ, ਅ ਟ੍ਰੇਨੀ ਐਂਡ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਮੈਨ, ਅ ਸੌਫਟ ਹਰਟਡ ਮੈਨ। ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਹੌਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਸਨ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਈਡੀਅਮ ਐਂਡ ਫਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਮੈਨ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਮੈਨ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਮੀਨਿੰਗ ਵਰਡ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰਸੂਏਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਸੂਏਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮਨਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਂਟੋਨੀਓ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਟ, ਪਰਵੇਡ, ਡਿਸੋਲਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸੂਏਡ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਂਟੋਨੀਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਿਸੂਏਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਸੂਏਡ ਐਂਡ ਡਿਸੂਏਡ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗੇਂਸਟ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਕਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸੂਏਡ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਮੀਨਿੰਗ ਵਰਡ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਡਿਸੂਏਡ। ਡਿਸੈਂਟ, ਡਿਸੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਂਟੋਨੀਓ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਏਸੈਂਟ, ਬਾਕੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੈਵਲ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਏਸੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਮੀਨਿੰਗ ਵਰਡ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਏਸੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਸ਼ੋਰਟ ਸਟੇ ਐਟ ਅ ਪਲੇਸ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਲਟ, ਇੰਟਰਲਿਊਡ, ਇੰਟਰਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਜ਼ੁਰਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋਜ਼ੁਰਨ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸੋਜ਼ੁਰਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਜ਼ੁਰਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਂਗ ਸਪੈਲਟ ਵਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਤੇ 24 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਸਪੈਲਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਂਗਲੀ ਸਪੈਲਟ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ, ਐਮੈਚੋਰ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ, ਬਰਗਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, ਡੀ ਈ ਐੱਸ ਆਈ ਜੀ ਐੱਨ ਏ ਟੀ ਆਈ ਓ ਐੱਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮੈਚੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮੈਚੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ। ਐਮੈਚੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਏ ਐੱਮ ਏ ਟੀ ਈ ਯੂ ਆਰ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਮਾਚੋਰ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੇ ਐਮਾਚੋਰ ਦੇ ਗਲਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ, ਬਰਗਲਰ ਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਬੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸ ਸਪੈਲਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੋਂਗਲੀ ਸਪੈਲਟ ਵਰਡ, ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ, ਇਲੀਸਿਟ, ਇਮੀਨੈਂਟ, ਇਮੈਚੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੋਂਗਲੀ ਸਪੈਲਟ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਲੀਸਿਟ। ਇਲੀਸਿਟ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਡਬਲ ਐੱਲ ਆਈ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਐੱਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਬਲ ਐੱਲ ਆਏਗਾ, ਆਈ ਡਬਲ ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਟੀ। ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਇਲੀਸਿਟ, ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਲਾਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਜੋ 25ਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਸਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਟੀਚਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ।
ऑप्शन ऑनर्स ऑनरेबल ऑनरेरी या फिर ऑनर। यह की एक यह जो टीचिंग जो है यह की है ऑनरेबल प्रोफेशन है, इस करके थे कि आजूगा अपना बी ऑप्शन सैकेंड ऑप्शन ऑनरेबल। ठीक है, कई बार ये स्पैलिंग भी पूछे जाते हैं अपने एग्जाम के, तो अपने याद रखना है एच ओ एन ओ यू आर ए बी एल ई ऑनरेबल। यह स्पैलिंग किस दिन है, यह स्पैलिंग ने ऑनरेबल दे इतने यूज होएगा ऑनरेबल, टीचिंग इज एन ऑनरेबल प्रोफेशन, इस आंसर बन जाएगा अपना सेकेंड ऑप्शन ऑनरेबल। ठीक है, सो ये अपने 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप जो अपने कवर किए ने इस मॉक टेस्ट नंबर 5th दे विच। इस तो बाद आप देखते हैं जो अपना एक पैराग्राफ अपने इंक्लूड किया जिस आप ट्रांसलेट करांगे। ठीक है, इस दे विच आप पंजाबी तो इंग्लिश दे विच ट्रांसलेट करांगे। ठीक है, तो उन्हें 25 क्वेश्चन दे विचों कमेंट बॉक्स दे विच लिख के दसना कि तुमने 25 क्वेश्चन दे विचों एग्जैक्ट क्वेश्चन किन्ने सही किए ने। ठीक है, टाइम तो उन्हें 20 मिनट ही लगाने ने दे विच इस मॉक टेस्ट दे विच, जिहड़ा यह मॉक टेस्ट है सिर्फ और सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव की गल कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखिए मॉक टेस्ट विच तां तुहाने 30 मिनट यूज करने ने, 30 मिनट। ठीक है, इस दे विच आपां ने ट्रांसलेट करना है पंजाबी तो इंग्लिश दे विच। इस दे विच आपां ने सब तो पहली लाइन पढ़नी है की लिखा इहदे विच, पंजाब ने देश दी अनाज नूं ओकड़ दी ओकड़ नूं हल करन विच वड्डा हिस्सा पाया है। सब तो पहले एक बार आपां ने जिहड़ा पूरा पूरा पैराग्राफ है इहदी करनी ट्रिक है अपने कोल। ठीक है, जो अपने कोल पंजाबी तो इंग्लिश दे विच पैराग्राफ आएगा ना, ठीक है, इसनों आपां ने एक बार सब तो पहला पढ़ना है। ठीक है, पंजाब ने देश दी अनाज दी ओकड़ नूं हल करन विच वड्डा हिस्सा पाया है, साढ़े प्रांत दे इस योगदान नूं कदे अणडिठा नहीं किया जा सकता, पर अज भारत दे दूजे प्रांत भी खेती विच अगे वध गए हन, हुण लोड़ है कि पंजाब दा किसान खेती दे इलावा होर किते अपनावे। ठीक है, ओह नवीं तकनीकां अपनाउण दे पूरी तरह समर्थ है, हुण पंजाब दे पिंडां विच काश्त नाल जुड़े कई लाहेबंद नवें लाहेबंद काम शुरू किए जा रहे हैं, अनाज नाल जुड़े हर तरह के कारखाने शहर तो दूर पिंडां विच ही होने चाहिए हैं। ठीक है, यह सारे अपने जो लाइनस दित्तियां गई इन्हों अपने इंग्लिश दे विच ट्रांसलेट करना है। सब तो पहला पढ़ लिया अपने एक बार पैराग्राफ, अपने दिमाग दे विच एक पिक्चर बन गई कि किस तरह अपने इसनों ट्रांसलेट करना है, यानी सारा कुछ अपना जिहड़ा ओवरऑल जिहड़ा पैराग्राफ है वह किस दे बारे दस्या गया अपन, देश के अनाज के किस तरह जी है प्रोडक्शन की जाती है, किसानों के द्वारा की अडोप्ट करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें अपन दसिया गई ने, नवी नवी टैक्नीक्स की गल की है। ठीक है, और इस दे विच जो पंजाब के किसान ने इन्हों कहा गया है कि इन्हों होर भी जोड़े काम ने अपनाने चाहिए ने नाल नाल। ठीक है, ये सारिया चीज़ें कही गई ने, हुण आपां इहनूं लिखना स्टार्ट करते हैं। जिवें पहली लाइन है, पंजाब ने देश की अनाज की ओकड़ नूं हल करन विच वड्डा हिस्सा पाया है, यानी पंजाब के द्वारा कॉन्ट्रीब्यूशन दी गई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जो फूड प्रॉब्लम्स है देश के विच उसनूं सॉल्व करन दे विच, यानी जो अनाज की ओकड़ है, अनाज की ओकड़ का मतलब की है, जो फूड प्रॉब्लम्स है देश के विच उसनूं सॉल्व करन दे विच जिहड़ा है बहुत ज़्यादा हिस्सा पाया गया। ठीक है, इस दे विच सब तो पहला की लिखांगे आपां, पंजाब हैज़, पंजाब क्योंकि पंजाब ने देश के विच हिस्सा पाया इस करके आप लिखांगे पंजाब तो स्टार्ट करांगे। ठीक है, उस तो बाद पंजाब हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटड, पंजाब ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, पंजाब हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटड, पंजाब हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटड अ लॉट, यानी बड़ा हिस्सा पाया है तो बहुत बड़ा लिख देता आप द लॉट ऑफ लिख सकते सी। ठीक है, ये आप लिख लेंगे अ लॉट ऑफ। ठीक है, इतने लिखांगे आप अ लॉट ऑफ, पंजाब हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटड अ लॉट इन। ठीक है, पंजाब हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटड अ लॉट इन सॉल्विंग, ठीक है, सॉल्विंग फूड प्रॉब्लम्स, फूड प्रॉब्लम्स, फूड प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, वड्डा हिस्सा पाया है ऑफ द कंट्री, ऑफ द कंट्री। ठीक है, अपनी जिहड़ी पहली लाइन है पूरी तरह अपनी ट्रांसलेट हो चुकी है बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स दे विच, पंजाब दे द्वारा जिहड़ा है देश की अनाज दे विच जिहड़ी औकड़ है उसनूं हल करन विच हिस्सा पाया वड्डा, पंजाब हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटड अ लॉट इन सॉल्विंग फूड प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, साढ़े प्रांत के इस योगदान नूं कदे अणडिठा नहीं किया जा सकता। ठीक है, अणडिठा मतलब की होंदा है, इसनूं अनदेख्या कह सकते हैं आपां। ठीक है, जिहड़ा पंजाब ने योगदान पाया उसनूं कदे भी अनदेख्या नहीं किया जा सकता, मतलब कि इसदा इंग्लिश दे विच की लिख सकते हैं आपां, ओवरलुक्ड लिख सकते हैं। ठीक है, यानी आपां किवें लिखांगे इस दे विच, द कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी जो पंजाब ने योगदान पाया, योगदान मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस दे विच आपां की लिखांगे द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पंजाब, इत्थे पंजाब ने यूज़ किया गया, साडा प्रांत यूज़ किया, तां आपां की लिखांगे द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, द कॉन्ट्रीब्यूशन, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर स्टेट, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर स्टेट, साढ़े प्रांत की गल की गई, आप आवर स्टेट लिख लिया।
द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर स्टेट, ठीक है। उस तो बाद कदे देखे अनदेखा नहीं किया जा सकता, यानी कैन नैवर, कदे नहीं मतलब कैन नैवर, ठीक है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर स्टेट कैन नैवर बी ओवरलुकड, ठीक है। ओवरलुकड यानी जो पंजाब ने हिस्सा पाया है इसनों कदे भी आप अनदेखा नहीं कर सकते, अनदिठा नहीं किया जा सकता, ठीक है। इतने तक लिख लिया अपने, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर स्टेट कैन नैवर बी ओवरलुकड, ठीक है। उस तो बाद पर अज भारत के दूजे प्रांत भी खेती विच अगे वध गए हैं, ठीक है। बट इन्होंने कहा अपन कि अज जिहड़े भारत के दूजे प्रांत ने जिवें हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, ठीक है, ये भी अगे वध गए हुण, तां आपां किवें लिखांगे बट, ठीक है। इत्थे पर यूज़ किया गया, इसलिए यूज़ करांगे आपां बट, ठीक है। उस तो बाद अज यूज़ किया गया, इसलिए पर यूज़ करांगे टूडे, बट टूडे, ठीक है। भारत के दूजे प्रांत यानी बट टूडे द अदर स्टेट्स, बट टूडे द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया दूजे प्रांत भी अगे वध गए हैं, यानी बट टूडे द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ऑल्सो एडवांस्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। ऑल्सो एडवांस्ड यानी अगे वध गए ने, आपां इनू किवें लिख देंगे एडवांस, ठीक है। द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ऑल्सो, ठीक है, एडवांस्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। उस तो बाद हुण लोड़ है कि पंजाब का किसान खेती दे इलावा, हुण लोड़ है कि पंजाब का किसान खेती दे इलावा होर किते अपनावे, ठीक है। यानी हुण जो पंजाब का किसान है इनू रिक्वायरमेंट है कि यह होर जिहड़े किते ने उन्होंने अपनावे, जिवें कोई एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है जी उसको प्रमोट करे या फिर होर कोई चीज़ा लगावे, ठीक है। इस दे विच आपां कहा गया है पंजाब का जिहड़ा किसान है वह खेती के इलावा होर भी कोई किते अपनावे, यह आपां नूं कहा गया है। यानी इस दे विच आपां की लिख सकते हैं, हुण मतलब इट इज़ नाउ रिक्वायर्ड दैट द फार्मर ऑफ पंजाब शुड टेक, ठीक है। इत्थे नवीं इत्थे की लिखा गया है, पंजाब का किसान खेती दे अपनावे, यानी पंजाब नू अडोप्ट करने चाहिए ने, ठीक है। पंजाब शुड टेक अप प्रोफेशंस अदर दैन एग्रीकल्चर, ठीक है। यानी शुड टेक अप प्रोफेशंस अदर दैन एग्रीकल्चर, ठीक है। यानी जो पंजाब के किसान ने इन्हों हूँ जड़ा है इन्हों नवे जोड़े किते ने अपनाने चाहिए ने, ठीक है। उस तो बाद नवी तकनीक अपना पूरी तरह समर्थ है, ठीक है। इतने लिखा गया है वह नवी तकनीक अपना पूरी तरह समर्थ है, ठीक है। यानी जो किसान है वह पूरी तकनीक जीडिया ने अपना सकता है नवी, यानी ही इज़ फुली एबल टू, यानी उसके कोल प्रोपर जड़ा है सारा कुछ अवेलेबल है जिसने वो अपनी जी नवी तकनीक अपना सकता है। यानी आपां इत्थे ओह यूज़ किया गया तो आपां सेंटेंस स्टार्ट करांगे ही तो ही इज़ फुली एबल टू अडॉप्ट न्यू टेक्निक्स, ठीक है। इत्थे तक अपन ने यूज़ कर लिया। उस तो बाद हुण पंजाब दे पिंडां विच काश्त नाल जुड़े कई नवें लाहेवंद कम शुरू किए जा रहे हैं, यानी पंजाब दे विच जिहड़े नवें लाहेवंद कम ने शुरू किए जा रहे हैं। यानी पंजाब दे विच हुण दी गल कीती गई है, आपां लिखांगे स्टार्ट करांगे नाउ इन पंजाब विलेजस, पिंडां दे विच पंजाब विलेजस जां विलेजस ऑफ पंजाब लिख सकते हैं आपां, ठीक है। नाउ पंजाब विलेजस मैनी, ठीक है। इत्थे लिखा गया है काश्त नाल जुड़े मतलब एग्रो फूड प्रोफेशंस, ठीक है। यानी आप की लिखांगे नाउ इन पंजाब विलेजस मैनी न्यू एग्रो बेस्ड प्रोफेशंस
professions are being started. Are being started. ठीक है, कितने जा रहे हैं, इतने तक आपने लिख लिया. ठीक है, अनाज नाल जुड़े हर तरह के कारखाने शहर तो दूर पिंडां विच होने चाहिए हैं. ठीक है, यानी आपां नूं कहा गया है सारे जो जिहड़े कारखाने वगैरह होंदे ने अनाज नाल जुड़े होंदे ने जिहड़े इह शहर तो दूर पिंडां विच ही होने चाहिए ने. ठीक है, इतने तक आपने स्टार्टर तक लिख लिया, जिस दे विच आपने जिहड़ी नवीं नवीं टैक्नीक्स की गल की आपने सारा कुछ लिख लिया. लाहेवंद शुरू किए जा रहे हैं, ये भी आपने लिख लिया. ठीक है, एग्रो फूड जिहड़े प्रोफेशनल्स ने उह स्टार्ट कर रहे हैं आपां. ठीक है, अनाज नाल जुड़े हर तरह के कारखाने शहर तो दूर पिंडां विच होने चाहिए हैं. यानी इहदे विच आपां लिखांगे ऑल सोर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, यानी जो चीज़ां अनाज नाल जुड़िया हुई ने, यानी इहनूं आपां स्टार्ट करांगे ऑल ऑल सोर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, ऑल सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल, जां आपां लिख सकते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, should be, इन्हों लिख देने आपां, बाकी जो बच गया अपने कोल should be. ठीक है, should be in villages, away from cities, ठीक है, यानी जो शहरों तो दूर. यह अपना जिहड़ा पूरा का पूरा पैराग्राफ है ट्रांसलेट हो चुका है. अगर इस तरह तुहाने पेपर दे विच अपनी ट्रांसलेशन करती तो 10 दे विचों 10 नंबरों की ट्रांसलेशन आएगी तुहाडे एग्जाम दे विच. ठीक है, 10 दे विचों तुहानू घट्टो घट 8 नंबर जां फिर 9 नंबर भी मिल सकते हैं. ठीक है, इस तरह की अगर तुसीं ट्रांसलेशन कर देने हो पेपर दे विच तां डेफिनेटली 8 जां फिर 9 क्वेश्चन 9 नंबर ने जिहड़े तुहानू मिल जाणगे पेपर दे विच इस ट्रांसलेशन दे विचों. ठीक है, एक बार होर आपां रीड कर लैने इस नूं. ठीक है, पंजाब ने देश की अनाज की ओकड़ नूं हल करन विच वड्डा हिस्सा पाया है. आपने इसनूं ट्रांसलेट करता, पंजाब हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटड अ लॉट इन सॉल्विंग फूड प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री. साढ़े प्रांत के इस योगदान नूं कदे भी अनडिठा अनदेखा नहीं किया जा सकता. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अवर स्टेट कैन नैवर बी ओवरलुकड. पर अज भारत के दूजे प्रांत भी खेती विच अगे वध गए हैं. बट टूडे द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ऑलसो एडवांस्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है, हुण लोड़ है कि पंजाब का किसान खेती के इलावा होर किते अपनावे. ठीक है, यानी इट इज़ नाउ रिक्वायर्ड दैट द फार्मर ऑफ पंजाब शुड टेक अप प्रोफेशंस अदर दैन एग्रीकल्चर. ठीक है, हुण पंजाब के पिंडां विच काश्त विच काश्त नाल जुड़े कई लाहेवंद काम शुरू किए जा रहे हैं. ठीक है, यानी पंजाब जो है लाहेवंद है पूरे नवी टैक्निक्स अडोप्ट करने के लिए. उस तो बाद नैक्सट अपने को लाइन है. ठीक है, उस तो बाद नैक्सट अपनी जी लाइन आपने यूज़ की है, नाउ इन पंजाब विलेजेस फुली एग्रो बेस्ड प्रोफेशंस आर बीइंग स्टार्टेड. ठीक है, उस तो बाद पिंडा तो दूर लगने चाहिए ने जो कारखाने वगैरह होंगे ने. ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर शुड बी इन विलेजेस अवे फ्रॉम सिटीज़. यह सारा जो है आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ पंजाबी तो इंग्लिश के विच ट्रांसलेट करता. ठीक है, सो यह अपना मॉक टेस्ट नंबर 5th, जिस दे विच आपने यह 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कवर किए ने. उस तो बाद आपने एक पैराग्राफ कवर किया जिस दे विच आपने ट्रांसलेशन की है पंजाबी तो इंग्लिश दे विच. ठीक है, अगर तुहाडे इस मॉक टेस्ट दे विचों 27 या फिर 27 तो वध क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, यानी 27 तो वध जे नंबर आ रहे हैं तुहाडे, तां तुहानूं जिहड़ी तैयारी है बिल्कुल सही जा रही है तुहाडी. अगर घट सही हो रहे हैं तो अपनी तैयारी जिहड़ी उसनूं बूस्ट कर लो, क्योंकि टाइम बहुत घट रह चुका है. ठीक है, क्योंकि अज तुहानूं पता है तरीक है जिहड़ी 22 हो चुकी है, 2 तरीक तो 1-2 तरीक तो पेपर ने जिहड़े स्टार्ट हो जाणगे अपने, इस करके 2-3 तरीक तो. ठीक है, और अपने को सिर्फ 10 दिन रह गए अज के दिन, तो अपने को टाइम बहुत घट रह चुका है. ठीक है, इसलिए साढ़े द्वारा स्पैशल जो गैस पेपर है वो लॉन्च कर दिया गया है. जो पेपर की डेट है वो 3-4-5 अक्तूबर है, ये तो सबनों पता लग गया होगा. ठीक है, अज तरीक है 2. ठीक है, 2 सितंबर है अज, सॉरी 2 सितंबर कह गया, 22 सितंबर. ठीक है, 22 सितंबर अज. ठीक है, 22 सितंबर है तो अपने को 10 दिन रह गए, सिर्फ 10 दिन अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं पेपर के रह चुके हैं. ठीक है, इस गैस पेपर के की कुछ मिलेगा, इस सब तो इंपोर्टेंट सब तो निचोड़ जोड़े क्वेश्चन ने वो आपने पाए ने इस गैस पेपर के. इस गैस पेपर के जीके के 3500 क्वेश्चन मिलेंगे, जिस करंट अफेयर के 1500 क्वेश्चन 6 महीनों के होंगे, इंडिया जीके के 1500 क्वेश्चन, पंजाब जीके के 500 क्वेश्चन. ठीक है, सब तो इंपोर्टेंट गल की है जोड़े 1500 क्वेश्चन करंट अफेयर मिलेंगे, तो इन्होंने वीडियो एक्सप्लेनेशन भी ना ही मिलेगी. ठीक है,
वीडियो एक्सप्लेनेशन डिटेल दे विच तुहानू जिहड़ी आ नाल ही दित्ती जाऊगी। 6 से 6 महीनों के करंट अफेयर की वीडियो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस गैस पेपर नाल दित्ती जाऊगी, ठीक है। उस तो बाद इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव 1000+ प्रश्न पाए ने, आप बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पाए ने। स्क्रीनशॉट तुसीं लै सकदे हो किहड़े सब्जेक्ट के किन्ने किन्ने क्वेश्चन पाए ने, ठीक है। इस तरह 50+ टॉपिक ने जिहड़े आ आपां ने पाए ने सब्जेक्टिव टॉपिक, जिस तरह का सब्जेक्टिव टॉपिक टॉपिक आपां ने कवर किया है बिल्कुल इस तरह का, ठीक है। आपां ने 15-16 पैराग्राफ पाए ने इस गैस पेपर के, ठीक है। इस तरह ऐसे 15 पाए ने, अपने लैटर 10 पाए ने, प्रेसिस 10 पाए ने, ट्रांसलेशन अपने 15 पाए ने टोटल, जिस तरह का तुसीं ट्रांसलेशन तुसीं इत्थे देख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह का पाया अपने इस गैस पेपर के, ठीक है। और बाकी जीके के क्वेश्चन तुसीं देख सकते हो किस लैवल के अपने कवर किए ने, उस सेम लैवल के अपने जीके के क्वेश्चन इस गैस पेपर के इनकलूड किए ने। बिल्कुल आप कह सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड होगा, निचोड़ होगा सारे क्वेश्चनों का, ठीक है। उस तो बाद इस अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन ने उन्होंने भी कवर करता नाल ही 3500 क्वेश्चन के। उस तो बाद इंग्लिश के तुम क्वेश्चन देख सकते हो किस तरह के अपने पाए ने इस मॉक टेस्ट के, बिल्कुल इसे सेम लैवल के होंगे जोड़े क्वेश्चन होंगे इस गैस पेपर के। 1000 तो ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, अगर आप इन्होंने मिला दिए तो 4500+ थोड़े हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQs, ठीक है। और उस तो बाद सबजैक्टिव पेपर है जोड़ा, इस 50+ टॉपिक जोड़े हो चुके हैं, थोड़े हो चुके हैं सबजैक्टिव टॉपिक, यह सारा कुछ तुम्हें जोड़ा है इस गैस पेपर के प्रोवाइड किया जाऊगा। और यह जो गैस पेपर है तो PDF फॉरमेट के मिलेगा, सब तो इंपोर्टेंट पॉइंट। दूजा इंपोर्टेंट पॉइंट की है, यह जो गैस पेपर है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के मिलेगा, पंजाबी हिंदी के नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के, भी गल याद रखनी है, ठीक है। हुण आपां गल करते हैं चार्जस किन्ने ने, ठीक है। इस जो चार्जस 2500 रुपये रखे से अपने, यह 250 बच्चों के लिए अपने चार्जस रखे से, लगभग 250 बच्चे पूरे हो चुके हैं, क्योंकि ऐप के जोड़ा है बहुत ज़्यादा रिस्पोंस आपको देखने को मिले इस गैस पेपर तो, ठीक है। ऐप के मोस्टली जोड़े बच्चों ने परचेज किया वह ऐप के ही परचेज किया, ठीक है। बट हुण तुसीं ऐप के भी या फिर ऐप तो बाहर भी परचेज कर सकते हो, यानी तुसीं गूगल पे कर सकते हो, फोनपे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो इस नंबर के उपर, ठीक है। जो 250 बच्चे जोड़े ने पूरे हो चुके हैं, हुण जोड़े बच्चों ने परचेज करना सारे ने जोड़े बच्चे तैयारी कर रहे थे सारे लगभग पूरे हो चुके हैं। हुण तुहाडे लई जिहड़ा है जिहड़े बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उन्होंने लिए एक स्पैशल जिहड़ा डिस्काउंट है वह 1000 रुपए के उपर दिता जा रहा है, यानी यह जिहड़े चार्जस 1500 डिस्काउंट दिता सी आपां ने इस गैस पेपर के उपर, और तुहानू जिहड़े चार्जस पए सी 1000 रुपए पए सी सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ आ। 1000 रुपए के विच तुहानू जिहड़ा है गैस पेपर मिल रहा सी साडी तरफ तो यह, बट हुण तुहानू जिहड़ा है यह जिहड़ा गैस पेपर बच्चे परचेज करना चाहते हैं जिहड़ा अफोर्ड नहीं कर सके हले तक, ठीक है। जिहड़े बच्चे इस गैस पेपर नू परचेज नहीं कर सके, ठीक है, जिहड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, जिन्हां कोई फाइनैशियली प्रॉब्लम है, कोई वीकनेस है, ठीक है, उन्होंने लिए साढ़े द्वारा एक स्पैशल डिस्काउंट दिता जा रहा, ठीक है। यह स्पैशल डिस्काउंट है जिहड़ा अज्ज तरीक है 22 तरीक, 22 तो लैके 25 तरीक तक जिहड़ा है यह जिहड़ा है तुहानू दिता जाऊगा स्पैशल डिस्काउंट। यह स्पैशल डिस्काउंट किन्ने रुपए का होएगा, ठीक है, यह स्पैशल डिस्काउंट मिलेगा तुहानू 250 रुपए का, ठीक है। स्पैशल डिस्काउंट तुहानू अज तो स्टार्ट हो गया, चाहे ऐप से परचेज कर लियो, चाहे तुसी पेमेंट कर दियो गूगल पे, फोनपे, पेटीएम, तुसी ने पेमेंट करनी है 750 रुपए, ठीक है। 1000 रुपया पे करने की जरूरत नहीं है, तुहानू जिहड़ा है 25% होर डिस्काउंट देता सानू 250 रुपए का, क्योंकि बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट की सी कि सर इस दे उपर थोड़ा जिहा होर डिस्काउंट दो कि असी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है। उन्हां बच्चों के लिए साढ़े द्वारा एक स्पैशल जिहड़ा है डिस्काउंट दिता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जिहड़ा है यह डिस्काउंट आप कह सकते हैं 100 बच्चों को मिलेगा, जिहड़े यह 250 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, स्पैशल डिस्काउंट एक्सट्रा डिस्काउंट कह सकते हो तुसीं, यह 100 स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, ठीक है। जिहड़े 250 बच्चे सी वह पूरे हो चुके हैं, कुछ बच्चों ने जिहड़ा है ऑफलाइन जिवें हुण कई बच्चों ने जिहड़ा है PDF फॉरमेट के परचेज कर लिया गूगल पे, फोनपे, पेटीएम करके, तो कुछ बच्चों ने ऐप तो परचेज कर लिया, तो टोटल अपने 250 बच्चे पूरे हो चुके हैं इस गैस पेपर के, यानी अपना जोड़े चार्जस ने इस जे 2500 रुपए हो जाने चाहिए सी, बट हुण साढ़े द्वारा एक स्पैशल डिस्काउंट दिता जा रहा है, जोड़े बच्चे हले तक अफोर्ड नहीं कर पाए इस गैस पेपर में उन्होंने 250 रुपए का जोड़ा है 1000 रुपए के उपर डिस्काउंट होर दिता जा रहा है, यानी तुम्हें जोड़ा गैस पेपर है सिर्फ और सिर्फ यह 750 रुपए के मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा, बहुत सारे क्वेश्चन तुसी अपने एग्जाम दे विच डायरैक्ट देखोगे इस गैस पेपर दे विचों, क्योंकि अपना पहला भी रिकॉर्ड रहा है एग्जाम दे विच क्वेश्चन डायरैक्ट आते हैं, उस तरह सेम इस दे विच भी असी दावा कर रहे हैं कि तुहाडे पेपर दे विच क्वेश्चन डायरैक्ट पूछे जाएंगे इस गैस पेपर दे विचों, ठीक है। हुण तुहाने जिहड़ा यह गैस पेपर अगर तुसी परचेज करना है, चाहे तुसी ने यह जिहड़ा गैस पेपर है ऐप ते परचेज करना है, ठीक है, चाहे तुहाने जिहड़ा है यह गैस पेपर जिहड़ा व्हाट्सएप के उपर परचेज करना है, ठीक है। अगर ऐप से परचेज करना है तो इस कूपन कोड यूज़ कर लियो MG250,
MG250 जो कूपन कोड यूज़ करोगे तो जो है गैस पेपर है सिर्फ और सिर्फ 750 रुपए के अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम वट्सएप के उपर परचेज करना चाहते हो तो डायरेक्ट PDF पाना चाहते हो, ठीक है, तो तुम 750 रुपया जोड़ा है गूगल पे कर सकते हो, फोनपे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो इस नंबर के उपर 7009868826। उस तो बाद सेम नंबर के उपर जोड़ा है वट्सएप के उपर अकाउंट बनया हुआ है, इस उपर तुमने अपना जो स्क्रीनशॉट है सेंड कर देना है। ठीक है, उस तो बाद मैनशन जरूर करना है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कलर्क गैस पेपर। ठीक है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कलर्क लिख के गैस पेपर जरूर लिखना है, GP नाल लिख देना, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कलर्क लिख के गैस पेपर। ठीक है, साड़ी तरफ तो एक घंटे के जोड़ा है गैस पेपर है वह तुम्हें जोड़ा है PDF फॉरमेट के सेंड कर दिता जाएगा। ठीक है, जितों भी तुम परचेज करना चाहो कर सकते हो, ऐप तो भी परचेज कर सकते हो, वट्सएप पर भी परचेज कर सकते हो, पेमेंट इस नंबर के उपर कर सकते हो अगर वट्सएप पर परचेज करना है, अगर ऐप तो परचेज करना तो डायरैक्ट ऐप के ही जो पेमेंट कर दो। ठीक है, सो ये अपनी कंप्लीट डिटेल इस गैस पेपर के बारे, तुम इतने जोड़ा स्क्रीनशॉट है ले सकते हो, किस सब्जेक्ट के किन्ने किन्ने क्वेश्चन होंगे सारे इतने जोड़ा है डिटेल वाइज जोड़ा है मैनशन किया गया है। यह गैस पेपर बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटड है, इस गैस पेपर को करके जरूर जाना है। ठीक है, चाहे तो उन्हें किसी इंस्टीट्यूट तो ऑफलाइन ऑनलाइन कितों भी तैयारी की है, ठीक है, इन क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जरूर जाना है, क्योंकि इस काफ़ी सारे क्वेश्चन तुम अपने एग्जाम के डायरैक्ट देखोगे, बिल्कुल 100% कॉन्टेंट है, 100% सिलेक्शन कॉन्टेंट तुम कह सकते हो जोड़ा साढ़े द्वारा इस गैस पेपर के प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, अगर कोई डाउट है इस गैस पेपर के रिलेटेड तो तुम इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, पेमेंट 750 रुपये करनी है, 22 तो 25 तरीक तक जोड़ा यह ऑफर है वैलिड होएगा, सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट यानी 22 तो 25 तक वैलिड होगा, अगर पहले ही 100 स्टूडेंट पूरे हो गए तो पहले ही यह डिस्काउंट जोड़ा है खत्म हो जाएगा, इसलिए जोड़ा बच्चा परचेज करना चाहता है वो जल्दी तो जल्दी परचेज कर ले, क्योंकि जोड़ा डिस्काउंट है बहुत ज़्यादा बच्चे मंग रहे इस करके सारे बच्चों को डिस्काउंट जोड़ा दिता जा रहा है 250 रुपये का। ठीक है, सो ये अपनी कंप्लीट इनफॉर्मेशन इस गैस पेपर के बारे, अगर कोई डाउट है तो तुम इस वट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो 7009868826। ठीक है, सो ये अपना मॉक टेस्ट नंबर 5th जिस आपने टोटल 35 नंबर का यह मॉक टेस्ट कवर किया, जिस आपने 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं, तो एक आपने ट्रांसलेशन की है जिसका जेडे मार्क्स ने 10 ने। ठीक है, 10 नंबर की ट्रांसलेशन होगी अपने पेपर के, 5 नंबर की अपनी लैटर आएगा, तो 5 नंबर का अपना प्रेस ही आएगा, तो 10 नंबर का ही अपने को एसे आएगा। ठीक है, एक गल याद रखनी है, टोटल अपने 30 मार्क्स का जोड़ा है सब्जेक्टिव पेपर आएगा। ठीक है, इतने तुम जो है देख सकते हो, तो अपने 35 नंबर जोड़े ने इस कवर किए हैं, 35 नंबर का मुख टेस्ट कवर किया, अगर थोड़े तो इस 28 या फिर 28 तो वह आ रहे हैं तो तुम वधिया तैयारी कर रहे हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दसना किन्ने क्वेश्चन सही हो गए, यानी किन्ने नंबर तुम ने इस ले ने मॉक टेस्ट के। ठीक है, इस फ्री मॉक टेस्ट नंबर 5th बस इन्ना ही, मिलते हैं मॉक टेस्ट नंबर 6th। सो थैंक यू सो मच।